हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना मेंशन शक्तावत आपके अपने यूट्यूब चैनल किंग मेकर एजुकेशन से बात कर रहा हूं। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल को लेकर सबसे बड़ी अपडेट। जैसा कि अब तक हम लगातार देख रहे थे कि 22 अगस्त को मध्य प्रदेश पुलिस के आरक्षण को लेकर सुनवाई हुई थी और आगे भी विभिन्न जो MPPSC है और मध्य प्रदेश की जो प्रतियोगी परीक्षाएँ हैं उनके आरक्षण को लेकर सुनवाई हुई थी। तो उसके तहत मामला धीरे धीरे लगातार डिबेट के साथ आगे बढ़ रहा है और मैं निश्चित तौर से कह सकता हूँ कि मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक का जो रिजल्ट है वो 9 सितंबर तक किसी भी कंडीशन में घोषित हो जाएगा। मतलब 99.9% चांसेस हैं, 99.9% चांसेस के साथ मैं कह सकता हूँ कि मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक का रिजल्ट 9 सितंबर तक घोषित हो जाएगा। क्योंकि जो सूत्रों के मुताबिक हमें खबर मिली है उससे यह तय हो जाता है कि व्यापम ने रिजल्ट बना करके सौंप दिया है, अब बस देर है तो रिजल्ट को अपलोड करने की। लेकिन सरकार चाहती है कि जितने भी आरक्षण के मुद्दे हैं या जो भी मध्य प्रदेश में ये उठापटक चल रही है रिजर्वेशन को लेकर के, ये सब क्लियर होने के बाद ही वो अपना रिजल्ट अपलोड करें। तो इसलिए रिजल्ट रेडी होने के बाद भी सरकार रुकी हुई है रिजल्ट को अपलोड करने में। और ऐसा सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि 9 सितंबर तक लगभग या सितंबर के पहले सप्ताह में और नहीं तो दूसरे सप्ताह में तो फाइनली रिजल्ट घोषित हो ही जाएगा। अक्टूबर या नवंबर तक आपका मेडिकल टेस्ट होने के बाद आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है। तो इस प्रकार विद्यार्थी थोड़े दिनों संयम बनाए रखें और निरंतर अपनी साइट पे या PEB की साइट पे आप चेक करते रहें, अपडेट होते रहें ताकि आपको जानकारी मिलती रहेगी। और ऐसे ही कुछ खास वीडियो देखने के लिए आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और अपडेट देखते रह सकते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि मध्य प्रदेश का रिजल्ट या मध्य प्रदेश को लेकर या भारत को लेकर कौन कौन सी जानकारी जो महत्वपूर्ण है, कब कब क्या क्या अपडेट हुआ है, उन चीज़ों से आप अपडेट होते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू।